नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल धुलाधर अपडेट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है एचपीपीएससी ने जो है इलेक्ट्रीशियन एंड सब स्टेशन अटेंडेंट पोस्ट कोड 712 का जो है फाइनल रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको जो है कितने कैंडिडेट्स जो है इन्होंने सफल घोषित किए हैं, तो उसकी पूरी जानकारी हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप तक जो है हमारी हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है कि इलेक्ट्रीशियन सब स्टेशन अटेंडेंट के जो है भर्ती परीक्षा का जो है परिणाम घोषित कर दिया गया है। तो प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 712 में इलेक्ट्रीशियन और सब स्टेशन अटेंडेंट के 41 पदों को भरने के लिए जो है ली भर्ती का जो है परिणाम घोषित कर दिया गया है। आयोग ने सचिव डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि आयोग ने इन पदों को भरने के लिए दिसंबर 2018 में जो है आवेदन मांगे थे, और अक्टूबर 2019 में जो है इन्होंने लिखित परीक्षा ली थी, और 28 जनवरी 2020 को जो है 15 अंकों की जो है मूल्यांकन परीक्षा करवाई गई। आयोग ने जो है 39 अभ्यर्थियों को जो है सफल घोषित किया है, जबकि कोई भी योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण जो है ओबीसी अनारक्षित और ओबीसी बीपीएल के दो पद खाली रह गए हैं। तो इन्होंने जो है टोटल जो है 41 पोस्टें थी, तो इसमें से जो है इन्होंने जो फिलअप करी गई हैं वो 39 पोस्टें ही जो है फिलअप करी गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं जो इन्होंने न्यूज़ में बताया हुआ है। तो ये पोस्ट कोड जो है 712 का जो है इन्होंने फाइनल रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक जो है हमारी हर नोटिफिकेशन जो है इस चैनल द्वारा जो है पहुँच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी जो है इस अपडेट के बारे में पता लग सके। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।